हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए बच्चों, आज हमारी 11th चैप्टर की एक्सरसाइजेस की टर्न है जिसको हम करेंगे। मूवमेंट में क्वेश्चन बोलूंगी, आप आंसर को मैच करेंगे और आपने ऑलरेडी आंसर किए हुए टैली करेंगे और जिनके बाय चांस बाय मिस्टेक आंसर आपके रॉन्ग है तो आप उनको करेक्ट भी करेंगे, ठीक है। एमसीक्यूज में पार्ट ए लेते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन सॉलिड्स हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डैश, कि जो सॉलिड्स के अंदर है हीट डैश प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफर होती है। आपको पता है प्रोसेसेस आर थ्री टाइप, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन जो होता है वो सॉलिड्स में होता है, कन्वेक्शन किस में होता है, लिक्विड से गैसेस में, और रेडिएशन जिसके लिए कोई मीडियम की जरूरत हमें नहीं होती है। तो यहाँ हमसे पूछा है इन सॉलिड्स हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डैश, कि सॉलिड में जो है हीट ट्रांसफर होती है किसके थ्रू, किसके थ्रू होती है, कंडक्शन के थ्रू। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, कंडक्शन के थ्रू होती है, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट सेकंड इज, व्हाई आर कुकिंग यूटेंसिल्स मेड ऑफ मेटल्स विद कॉपर एट द बेस, कि जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं जिनके अंदर आपकी मम्मी खाना बनाती है, ठीक है, वो जो उनका बेस होता है वो मेटल का कॉपर बेस क्यों होता है, क्या है, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, कॉपर जो है गुड कंडक्टर है, मेटल है एक प्रकार की हीट की गुड कंडक्टर है, जिसकी वजह से इजीली हीट को क्या करती है, कैप्चर करती है, जिसकी वजह से फूड स्टफ बनकर हमारा तैयार हो जाता है, इसीलिए कुकिंग यूटेंसिल्स को हम नीचे कॉपर बेस बनाते हैं। द करेक्ट आंसर इज टू कंडक्ट हीट क्विकली टू द आंसर इज ए। नेक्स्ट, मर्करी यूज इन थर्मोमीटर बिकॉज, मर्करी जो है हम थर्मोमीटर में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि मर्करी क्या है, एक प्रकार की मेटल है, कौन सी फॉर्म में पाई जाती है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है, शाइनी अपीयरेंस होता है, और जो ग्लास होता है, जो थर्मोमीटर का कांच वाला ग्लास होता है ना ग्लास, तो उसके साथ वो टच नहीं करती, पानी जो है उनको गीला करता है, ठीक है, और ये इजिली किंक नहीं होता। जो टेम्परेचर अगर हम थोड़ी देर के लिए मर्करी थर्मोमीटर में रखते हैं वो एज इट इज रहता है, ठीक है, तो इसीलिए थर्मोमीटर में हम मर्करी को इस्तेमाल करते हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज डी, इट डज नॉट स्टिक टू द ग्लास, ये कांच के साथ चिपकता नहीं है। द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट, फोर्थ इज, व्हेन वी ऐड आइस क्यूब्स इन अ ग्लास ऑफ वाटर, जब हम एक ग्लास के अंदर आइस क्यूब्स को डालते हैं तो क्या होता है, आपने देखा होगा, आपने स्टील का ग्लास लिया या कांच का किसी भी तरीके का आपने ग्लास लिया, उसके अंदर आप खाली आइस क्यूब डालते हैं तो थोड़ी देर बाद ग्लास के आउटर पोर्शन पर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स नजर आते हैं, ठीक है, पानी की बूंदें नजर आती है ना, इसलिए जैसे ही आइस एयर के कॉन्टेक्ट में आते हैं, हीट के कॉन्टेक्ट में, तो क्या होती है, मेल्ट होती है, मेल्ट होने के बाद क्या होती है, उसके अंदर से जो हीट है रिलीज होती है और जो वाटर वेपर्स की फॉर्म में हमें ग्लास के बाहर नजर आती है। द करेक्ट आंसर इज ए, आएगा क्या आएगा, फ्रॉम द सन, नहीं, करेक्ट आंसर इज ए, हीट इज एब्जॉर्ब बाय द आइस, क्योंकि आइस जो है हीट को एब्जॉर्ब करती है जिसकी वजह से वाटर वेपर बनते हैं, हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से, और वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में हमें आउटर पोर्शन पर नजर आती है। द आंसर इज ए। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, रेडिएशन इज द मेन मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, जो रेडिएशन है
दिए हुए हैं आपको, उसमें से बताना है रियली में कौन सा ऐसा प्रोसेस है, कौन सा ऐसा मेथड है जिसके थ्रू रूम जो है पूरा टोटली ठंडा हो जाया है। आपको फोर ऑप्शन दिए हुए, उनमें से जो फोर्थ ऑप्शन है मीन्स की आंसर डी क्या है, ठीक
और टेम्परेचर को अंडरलाइन करेंगे, करिए ठीक है। उसको अंडरलाइन करने के बाद करेक्ट आंसर लिखेंगे इस एट अ हायर टेम्परेचर, मींस हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ठीक है बच्चों। सेकंड देखिए, द हीट फ्रॉम द सन रीचेस अस थ्रू कन्वेक्शन, जो सन की हीट होती है वो हमारे तक कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू पहुंचती है। इसमें रॉन्ग वर्ड कौन सा है, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन। उसकी जगह क्या आएगा, ठीक है ना। तो ये बाकी हो गए, अब आप ए बी सी पार्ट को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और लर्न करेंगे, ठीक है बच्चों। हम बाहर निकालेंगे,
हीटिंग टेम्परेचर मिलेगा उसको, धीरे धीरे वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या है, सॉलिड जो है डायरेक्ट ओपन एरिया में रखने के बाद गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस प्रोसेस का नाम होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है? लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं जो हमारी बॉडी को ठंडा रखते हैं,
और सर्दियों में हम डार्क क्लोथ्स का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करता है, हमें ठंड नहीं लगती है। ठीक है, तो ब्लैक कलर डार्क कलर में आता है, ठीक है, तो ये गुड एब्जॉर्बर है। और व्हाइट कलर जो है